So hello everyone, I am Dr. Avinash Chauhan, Senior Assistant Doctor, Shiva Hospital and a specialist in Ayurveda, IBN Spine and a Joint Related Disorder. Friends, आज हम स्पाइन के बारे में बात करेंगे. जो पेशेंट काफ़ी लंबे समय से स्पाइन की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस लेकर आया हूँ. चाहे वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट हों, चाहे वो स्पाइन के पेशेंट हों, कमर में नस दब गई है या कमर में बोलते हैं कि हड्डी खिसक गई है, तो उन सभी पेशेंट्स के लिए आज हम एक एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं. वो आप सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा. इसमें चाहे वो एवियन पेशेंट हो जिनको कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द होता है उनके लिए भी है, और जो सिंगल जिनको केवल स्पाइन का प्रॉब्लम है, कमर में नस दब रही है, डॉक्टर बोलते हैं और सर्जरी के लिए बोलते हैं, उन सभी के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है. तो आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं इसमें उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं सभी लोगों को कि इसमें स्पाइन में नर्व कंप्रेशन किस जगह पर होता है, जिसकी वजह से मे बी पेशेंट को बैक पेन या लोअर बैक इश्यूज आ सकते हैं. तो जैसे कि आपने देखा ये लोअर पार्ट है, दैट इज L5 एरिया एंड द S1 एरिया. सो यू कैन सी यहाँ पे नर्व कंप्रेशन भी है. ये दैट इज येलो पार्ट, दैट इज नर्व्स या डिस्क है. यही डिस्क की वजह से जब यहाँ पे नर्व सिस्टम कंप्रेस होता है इस डिस्क की वजह से, तो बैक पेन स्टार्ट होना या बैक पेन जो होता है वो आगे की तरफ पैरों में दर्द आना, सुन्नपन होना, भारीपन होना, ये कुछ सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलते हैं पेशेंट में. तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सी एक्सरसाइज फॉलो करनी है जिससे आप अपने कमर के दर्द को नॉर्मलाइज कर पाएँ घर पे ही. जैसे माने जो पेशेंट एवियन के हैं उनको लिम्पिंग की, जब वो चलते हैं तो लिम्पिंग होती है, लिम्पिंग की वजह से यहाँ पर नर्व कंप्रेशन या स्पाइन पर प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से उनको कमर में दर्द होना ये कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट भी देखने को मिलता है. और कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको केवल कमर दर्द है, एवियन नहीं है, तो उनके लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है. सो पहले अब हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है फर्स्ट, तो अब हमें उस पर फोकस करना है. तो हमें एक पिलो का यूज़ करना होगा. नॉर्मली एक पिलो आप पेट के नीचे रख के ही आप एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे. जो पहले के दो स्टेप हैं वो आपको बैक पेन के लिए सबसे पहले फॉलो करना है. तो ये पिलो यहाँ पर रहेगी और आपको देखना है इसे पेट के बल लेटेंगे आप. एक्सैक्टली सभी पेशेंट जो सफ़र कर रहे हैं स्पाइन प्रॉब्लम से, कमर के दर्द से, लोअर बैक पेन से, उन सभी के लिए. तो पेट के नीचे पिलो रहेगी जस्ट, और उठने ऊपर उनके आगे जाना बस जिस वक्त ये पोर्शन स्पाइन का एरिया है और इसके जस्ट नीचे पिलो लगा रखी है. चेस्ट के नीचे पिलो नहीं रहेगी, केवल स्पाइन एरिया के नीचे ही पिलो रहेगी. तो इस कंडीशन में लेट जाए. तो अब पहला स्टेप कौन सा फॉलो करना है तो बता दूं मैं आपको. नेक नीचे रहेगी, सिर्फ केवल नेक को आपको उठाना है. नेक अप, गुड. चेस्ट ऐसे ही रहेगा, चेस्ट नहीं उठाएंगे आप, फिर नेक डाउन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. ये आपको 3 से 4 बार करना है. अब रही बात ब्रीदिंग की कि इसमें सांस कैसे लेनी. जब आप नेक उठाएंगे ऊपर तो सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना है. अब ये फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप कौन सा फॉलो करना है वो आपको समझना होगा. फर्स्ट ऐसे ही लेटना है, कोई पोजिशन इसमें चेंजेस नहीं आएंगे. अब आपको हाथ चेस्ट के सामने रखना, सेम उधर से भी इधर से भी चेस्ट के सामने हाथ रहेंगे. और ये एंगल ऐसा रहेगा, हाथ ऐसे नीचे नहीं रहने चाहिए, ये एंगल पे हाथ रहेंगे. सो अब हमें उठना है ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए उठना है और 1-2 सेकेंड तक होल्ड करना है, देन फिर डाउन. सो दैट इज सेकेंड स्टेप. ये 3 से 4 बार परफॉर्म करेंगे हम लोग. फिर से अप और सांस छोड़ते हुए नीचे गिरते हैं. सो ये स्टेप्स है कुछ जो आपको, 2 स्टेप्स हैं जो आपको पिलो के साथ में कंटिन्यू करना है. अब हमें कौन सा स्टेप फॉलो करने, वो स्ट्रेट करके करना है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ. सो थर्ड स्टेप, जैसा कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2 स्टेप हमने पिलो के साथ में अपोजिट साइड मीन्स जब हमने पेट के नीचे रखा तो 2 स्टेप फॉलो किया. अब हमें सीधे लेटना है स्ट्रेट इस पोजिशन में. अब हमें 4 स्टेप्स मीन्स मैंने कहा था कि 6 स्टेप्स हैं जो एक्सरसाइज आपको करनी है, परफॉर्म करनी है. 2 ऑलरेडी हो गए, अब 4 स्टेप हमें इस पोजिशन में लेटे करने होंगे. तो इस पोजिशन में लेटने के बाद पहला स्टेप कौन सा होगा, हमें पैर को रेज करना है सिंगल. एक उठाएंगे धीरे धीरे, जितना रेज हो पा रहा है उतना, दैट इज द 3rd स्टेप. डाउन करेंगे इसको, फिर अपोजिट सेम डाउन,
रही बात ब्रीदिंग की, तो जब आप पैर उठाएंगे तब आप सांस लेते हुए उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की तरफ करेंगे। ये थर्ड स्टेप है, तो ये आपको परफॉर्म करना है। 5 से 10 स्टेप बहुत सफिशियंट है दोनों के, 5 से 10 इसके या 5 इसके 10 इसके, ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे आप 5 से 7 8 9 10 ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब फोर्थ स्टेप कौन सा है, हमें पैर को फोल्ड करना है दोनों और दोनों हाथ से ऐसे पकड़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग इस नेक को भी उठाते हैं साथ में, तो जब किसी को लोअर बैक पेन हो रहा है तो नेक आपको नहीं उठानी है। अब आपको ये परफॉर्म करना है ऐसे, सांस लेते हुए अंदर की तरफ फिर छोड़ेंगे, फिर जिससे हमारे स्पाइन का एरिया है जहाँ कंप्रेशन है वो थोड़ा सा रिलीज होगा। ऐसे करके आप 10 स्टेप या 12 स्टेप इसके कर सकते हैं, दैट इज द फोर्थ स्टेप। अब फिफ्थ स्टेप कौन सा है, बहुत सिंपल से एक्सरसाइजेस है। फिफ्थ स्टेप आपको इसी पोजिशन में रहना है और हाथ ऐसे रहेंगे और जस्ट अपोजिट लेग, दोनों लेग इस तरफ आएंगे और हेड उस तरफ, सेम अपोजिट पोजिशन रहेगी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेम अपोजिट साइड में भी नेक इस तरफ और बोथ नेक उस तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ये दोनों, दैट इज द फिफ्थ स्टेप। तो ये आपको 5 से 10 बार, जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, सभी स्टेप आप 5 बार से स्टार्ट करके अपने रूटीन के अकॉर्डिंग या अपने जितना रिलीफ आपको हो रहा है उस हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे 10 स्टेप या मैक्सिमम 15 स्टेप हर एक एक्सरसाइज के आप फॉलो करेंगे। सो 6 एक्सरसाइज कौन सी है जो लास्ट में आपको फॉलो करनी है, वो आपको इसी एंगल पे, जैसे आपने सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करी लास्ट 2 और 3, तो सेम आपको इसी एंगल पे रहना है, हाथ आपके ऐसे रहेंगे। अब सांस लेते हुए आपको केवल वेस्ट को उठाना है बस, अब सांस लेते हुए उठाएंगे 1-2 सेकेंड तक होल्ड करेंगे, देन नीचे की तरफ फिर आप उठाएंगे सांस लेते हुए, ये एंगल एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, फिर आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये 6 स्टेप थे जो आपको, 6 एक्सरसाइज हैं आपको फॉलो करनी है जिसको लोअर बैक पेन या कमर में दर्द आ रहा है, जिनको डॉक्टर ने स्पाइन का प्रॉब्लम बताया हुआ है, जो एवियन पेशेंट हैं जिनको स्पाइन में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है, पीठ में दर्द आ रहा है, उन सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप सब लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। रही बात स्टेप्स की, तो आप 5 से लेकर 10 तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10 ऐसे करते करते आप फर्स्ट गए, आप 5 स्टेप से शुरू करेंगे हर एक एक्सरसाइज के, जो मैंने 6 एक्सरसाइज बताई हूँ उसमें से आप हर एक्सरसाइज के 5 5 स्टेप से स्टार्ट करेंगे और आपको धीरे धीरे 15 तक जाना है, दैट इज 15 इज सफिशियंट, आपको 15 के बाद नहीं बढ़ाना है उसको। सो ये एक्सरसाइजेस सभी स्पाइन पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जिनको लोअर बैक पेन, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गर्दन में दर्द भी होता है, तो उनके लिए सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो ये सभी लोग आप फॉलो करिएगा और जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे हम उनकी जो प्रॉब्लम है बैक में जो दर्द उनको हो रहा है उनको भी हम लोग काफ़ी रिलीफ दे पाए। थैंक यू सो मच।